बिहार के साथ पूरे देश में महिलाओं को लफंगों, गुंडों, मवालियों एवं असामाजिक तत्वों का कभी न कभी सामना करना पड़ता है। कई बार महिलाओं के साथ छेड़खानी एवं दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है, लेकिन इस बीच इन घटनाओं से निजात मिलने की संभावना बढ़ गई है। दरअसल बिहार के औरंगाबाद जिले के सत्येंद्र नगर निवासी सूर्यकांत सिन्हा एवं निभा सिन्हा के पुत्र श्रेयस बी चंद्रा ने विमेन सेफ्टी डिवाइस का आविष्कार कर यह कारनामा कर दिखाया है। श्रेयस द्वारा निर्मित इस डिवाइस की चर्चा बिहार दिवस पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित साइंस एग्जीबिशन में हर लोगों के द्वारा की गई और डिवाइस कैसे कार्य करती है इसके बारे में लोगों ने जानकारी प्राप्त की। वहीं यह डिवाइस कैसे कार्य करता है वह आप खुद श्रेयस से ही सुने। अभी एक तुमने डिवाइस बनाया है, इसका नाम तुमने बताया कि वुमेन सेफ्टी डिवाइस, ये क्या है, कैसे वर्क करता है? बेसिकली हम लोग देखते हैं कि लड़कियों के साथ बहुत छेड़खानी होती है अक्सर, ज़्यादातर रात के टाइम, तो लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं उस चीज़ का। तो उस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने एक गर्ल्स सेफ्टी डिवाइस बनाया है। बेसिकली डिवाइस करंट प्रोड्यूस करता है, जो भी बंदा इस डिवाइस के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो बंदा कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस रहता है और जो भी लेडी होंगी वो अपना सेफ्टी पोजिशन ले लेंगी। मान लें कि डिस्चार्ज हो गया, तब अगर ये डिस्चार्ज हो जाए तो आप अपने मोबाइल के थ्रू इसे चार्ज कर सकते हैं। इसमें हम लोग एक साइड में केबल रखने का जगह दिए हैं ताकि आप उसमें केबल कैरी कर सकें चार्ज करने के लिए अपने डिवाइस को। इसमें और सुधार क्या करना चाहते हैं? बेसिकली इसमें हम लोग अभी फिंगरप्रिंट लगा रहे हैं ताकि कोई इसमें इसका यूज़ ना करे, और सेकेंडली हम लोग इसमें कैमरा लगाने का कोशिश कर रहे हैं फ्रंट साइड में। जब जब ये डिवाइस यूज़ होगा, जो भी इस डिवाइस के सामने जो बंदा होगा उसका इमेज कैप्चर करके उनके गार्जियन के पास भेज देगा, जिससे इन फ्यूचर कुछ भी अगर परेशानी आती है तो इमेज जस्टिफाई हो करके ज़्यादा टाइम ना लगे जस्टिस मिलने में। इसका प्रदर्शन कहीं किए? इसका प्रदर्शन हम लोगों ने 2 बार पटना में किया था। पहली बार 3रा पुरस्कार मिला था मुझे, और सेकेंड बार जो ये साइंस फेयर लगा था पटना गांधी मैदान में, तो वहाँ पे काफ़ी सारे अप्रिसिएशन मुझे मिले थे वहाँ पर। फ्यूचर में इसको बढ़ावा देने के लिए क्या सोच रखते हो? हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये एक्चुअली बिहार मेड है, तो बिहार ही नहीं पूरे इंडिया में इसका यूज़ किया जाए ताकि हमारी जो भी बहन लोग हैं वो सुरक्षित रहें। कैसे प्रेरणा मिली इसकी? बेसिकली हम लोग निर्भया केस को देख करके ज़्यादा मेरा जो माइंड है वो डेवलप किया कि केस जो होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है और सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट होता है हर चीज़ के लिए। आजकल लोग गन रखते हैं अपने सेफ्टी में, लेकिन मार देना किसी को सॉल्यूशन नहीं होता, ये ऑफेंसिव क्राइम भी होता है, तो हम लोगों ने इस चीज़ को सोच के ये तैयार किया। बता दें कि श्रेयस के पिता और माता दोनों ही औरंगाबाद में सरकारी शिक्षक हैं। वहीं अपने बेटे की सोच को लेकर उसकी मां ने कहा कि एक तरफ देश में कई नालायक बेटे महिलाओं के प्रति काफ़ी गंदी सोच रखते हैं, तो वहीं उनके बेटे ने उनको सुरक्षित रखने का डिवाइस बनाया है। सरकार को इसे और बढ़ावा देना चाहिए ताकि महिलाओं के साथ हो रहे अपराध पर लगाम लगाई जा सके। अभी आपके बेटे श्रेयस बी चंद्रा ने जो डिवाइस बनाया है, तो क्या लगता है इस डिवाइस का और फर्दर उपयोग क्या हो सकता है? जी, वैसे तो ये सिर्फ महिलाएं और बच्चियां लड़कियों के लिए ही नहीं है, ये हमारे स्कूल गोइंग बच्चे भी यूज़ कर सकते, लड़के भी, जहाँ पर जैसे अपहरण केसेस हो जाता है या बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बच्चे इसको जैसे सब चीज़ रखते हैं अपने बैग में, लड़कियां अपने हैंड बैग में बहुत कुछ रखती हैं, उसके हिसाब से इसको भी एक इम्पॉर्टेंस गजट मानकर इसको अपने हैंड यूज़ में रख सकती हैं। आज जैसे हम लोग निकलते हैं तो पर्स में सब कुछ रखें, तो एक इसको भी रख लें। लड़के को भी अगर हम बच्चे बाहर जाते हैं, खेलने जाते हैं, आपको पार्क जाते हैं, तो उनके पास ये गैजेट दिया जा सकता है। मान लीजिए कुछ भी हो सकता है तो अपना सेफ्टी के लिए है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियाँ यूज़ करें, ये सबको यूज़ कर सकते हैं, हम और आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रयोग तो आमतौर पर घरों में भी किया जा सकता है, रात में जैसे बिल्कुल जी हाँ। कोई भी घटनाएं घटती है, चोरी की घटनाएं, डकैती भी, ये एक तरह का समझिए कि एक सेफ्टी डिवाइस है, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि गर्ल्स प्रोटेक्टर है, एक तरह से सेफ्टी डिवाइस है, ये ऐसा हम समझ रहे हैं कि इसको सेफ्टी डिवाइस किया जा सकता है। औरंगाबाद से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।